हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएड प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, साथ ही थर्ड सेमेस्टर और साथ ही फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं कंडक्ट करा ली गई हैं। अब इस बीच आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। और साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ बहुत सारे प्रशिक्षुओं को देख सकते हैं बैक को लेकर एक बारी फिर से डर है, और ख़ासकर जो भी सेकेंड सेमेस्टर डबल बैक प्रशिक्षु हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि तीन बैक का आप सभी को मौका दिया जाता है और लगभग आप सभी का जो बैक मतलब अटेम्प्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अगर फिर से आपका बैक लग जाता है तो क्या आपको मौका दिया जाएगा, अगर दिया भी जाता है तो किन प्रशिक्षुओं को, प्रोसेस क्या रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेपरेट तरीके से आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, उन प्रशिक्षुओं के बारे में बात करेंगे जो भी प्रशिक्षु यहाँ सेकेंड सेमेस्टर के हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षु हैं उनका डबल बैक लगा था, ठीक है, और ख़ासकर मैथ में लगा था, और या फिर किसी भी सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा एक नियम बनाया गया है, अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में तीन बार बैक लग जाता है तो फिर आपका जो डीएलएड है, ठीक है, या फिर आपको फिर से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको एक और मौका दिया जा रहा है, और लगभग दो बारी से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। यानी कि करना क्या होता है, एक अप्लीकेशन लिखना होता है जो कि एसीईआरटी या फिर हाल ही में आपने देखा हो परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा एक नोटिस जारी करके कहा गया कि आप अपने डायट्स में ही वो लेटर दे सकते हैं। यानी कि अप्लीकेशन एक ऐसा होगा जिसमें आप एक अनुरोध कर रहे होंगे कि हमें एक और मौका दिया जाए, क्योंकि ओनली एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, उसी सब्जेक्ट में हमारा तीन बार बैक लगा है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा पूरा डीएलएड निरस्त नहीं हो सकता है ना। तो इसी को लेकर एक मौके की बात की जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, यानी कि प्रत्यावेदन वाली प्रक्रिया तो है, यानी कि चौथा मौका तो आप सभी को मिलेगा, ठीक है, खासकर जिन भी प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेमेस्टर में डबल बैक और फिर से एक बार बैक पेपर दिए हैं और फिर से बैक लग जाता है तो यहाँ आपको एक और मौका दिया जाएगा। तो ये निश्चिंत वाली बात है, आप थोड़ा हैप्पी रहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि लगभग अगर 200 प्रशिक्षु प्रत्यावेदन देते हैं, अप्लीकेशन देते हैं, तो इसमें से 50 या फिर 100 ही प्रशिक्षुओं को बुलाया जाता है। अब रीजंस क्या रहते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये खबरें आ रही हैं और आपने देखा होगा हाल ही में कुछ प्रशिक्षु पहुँचे थे, क्योंकि उनकी जो लिस्ट में नेम है वो नहीं थी, और वो भी प्रशिक्षु प्रत्यावेदन यानी कि अप्लीकेशन दे रखे थे। तो कहीं ना कहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एसीईआरटी को चाहिए कि इन कमियों को दूर किया जाए, और जब मौका दिया जा रहा है चौथा मौका, तो सभी प्रशिक्षुओं को दिया जाए जो भी प्रशिक्षु यहाँ अप्लीकेशन अपना फिलअप करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका फिर से बैक लग जाता है मैथ में, तो फ्रेंड्स आपको एक और मौका यानी कि चौथा मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो आपने थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा दिया है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, और आप सभी थर्ड में अगर क्लियर करते हैं तो बिल्कुल आप सभी फोर्थ का भी पेपर दे पाएंगे, भले ही सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है। तो आई होप कि अब इसको लेकर आप सभी के मन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और रही बात देखिए, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमारा सेमेस्टर कंप्लीट होगा कि नहीं, हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये बयान आया है नई शिक्षक भर्ती को लेकर कि अभी ऐसी कोई भी भर्ती प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स टीचर्स एंड बच्चे जो है सरप्लस हैं, इक्वल हैं, और ऐसी कोई भी ज़रूरत अभी शासन को नहीं दिख रहा है ताकि नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए, साफ साफ ये कहना है। और आगे अगर ऐसी कोई स्थिति महसूस होगी तो आप सभी को नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ ड्यू मेट वेट मत होइए, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए अपनी सेमेस्टर की, ताकि जो आपका डीएलएड है वो जल्द से जल्द
कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ बात यह आ जाती है कि थर्ड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज से 9 मई से फर्स्ट सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो स्टार्ट है और 9, 10, 11 मई तक ये प्रक्रियाएं चलेंगी। उसके 5 दिन बाद या फिर मतलब कुछ दिन बाद कह सकते हैं आपके चारों सेमेस्टर की कॉपियों की मूल्यांकन स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, जो भी आंतरिक मूल्यांकन है, जो भी आपके ये मूल्यांकन है परीक्षा, ठीक है, परिणाम, तो सब कुछ ये सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। और देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद यही है कि इसी मंथ के लास्ट तक जो है पहले सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित भी की जा सकती है, ठीक है, और उसके बाद से फर्स्ट सेमेस्टर का भी। तो देखिए, अब एक एस्टिमेट आप मान के चलिए कि लास्ट तक जो है आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, रिजल्ट जारी करते, क्योंकि स्टार्टिंग से यही रहा है डेडिकेशन कि जल्द से जल्द हमारी परीक्षा कराई जाए, तो लगभग आप मान सकते हैं मतलब मई जून, ठीक है, आप अभी से अपने फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जो भी प्रशिक्षु हैं, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स अगर आपकी परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट कराई भी जाती है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश में आपके मैथ साथ ही इंग्लिश भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रशिक्षुओं को दिक्कतें होती हैं, तो आप सभी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आपको सब कुछ इस चैनल पे कराया जाएगा बिल्कुल फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, उम्मीद यही है कि जून लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी, ठीक है। बाकी देखिए, इससे रिलेटेड आपके इंटर्नशिप या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप सभी को इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर की प्रक्रिया मतलब ख़त्म होती है परीक्षा को लेकर, उसके बाद से चारों सेमेस्टर का जो कॉपी मूल्यांकन है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी और जो आपका रिजल्ट है वो जल्द से जल्द डिक्लेयर्ड भी करने की कोशिश की जाएगी परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा। बाकी फ्रेंड्स, आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।